दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की एक बड़ी बैठक होने वाली है। मणिपुर कांड पर विरोध के बीच बीजेपी संसदीय दल की आज मीटिंग होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। संसद सत्र शुरू होने से पहले यह मीटिंग होगी। सुबह करीब 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज भी मौजूद रहने वाले हैं, सभी सांसद मौजूद रहने वाले हैं। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है संसदीय दल की बैठक के बारे में? जितेंद्र, बिल्कुल, यह अहम बैठक होने जा रही है जो आज के संसद सत्र से पहले जो यह बैठक होगी, यानी कि करीब 9:30 बजे इसका समय रखा गया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होगी और इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद, साथ साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वे भी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री से दिशा निर्देश लेंगे कि संसद के दौरान एक तो गतिरोध लगातार जारी है अलग अलग मुद्दों को लेकर, इन पर भी चर्चा होगी। साथ साथ किस प्रकार से जो बचे हुए सत्र की जो अवधि है उस दौरान किस प्रकार से रणनीति आगे बढ़ाई जाए और इस सत्र के बाद जो है वो जनता से किस प्रकार से संवाद स्थापित करना है, क्योंकि जो आने वाले दिनों में पांच जो राज्यों की विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, तो तमाम उसको लेकर किस प्रकार से संवाद का दौर जो है वो जनता से किया जाए। इसके अलावा निश्चित रूप से जो सूत्रों का कहना है कि मणिपुर के मामले को भी लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि किस प्रकार से इसे आगे जाके क्या कार्रवाई इसमें की जाए और भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या भूमिका निभा सकती है, तमाम बातें रहेंगी। और विशेष रूप से जो संसद सत्र की जो अगली अवधि है उसको लेकर क्या किया जाना है, क्या रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से जो तमाम मुद्दों को उठाया जाए और क्या क्या जो बिल जो लाए जाने हैं उनको लेकर भी जो चर्चा इसमें होगी निश्चित रूप से। जी, लेकिन अमित, अगर बात करें पिछले 3 दिनों की बात करें, अगर सदन की कार्यवाही लगभग प्रभावित ही रही है, हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिला, तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जवाब दे सकते हैं मणिपुर मामले पर? जी निश्चित रूप से हितेंद्र, ऐसी संभावना है, क्योंकि लगातार जो गतिरोध चल रहा है उस संसद में कामकाज एक तरह से हो नहीं रहा और अलग अलग मुद्दों को लेकर जो विपक्ष हमलावर है सत्तारूढ़ भाजपा पर, तो ऐसे में आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस बैठक के बाद क्या कुछ मुद्दों को लेकर जो अपना पक्ष रखते हैं, यह संभावना बनती है। तो देखने वाली बात होगी, पहले संसदीय जो दल की बैठक है इसमें क्या किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे जो प्रधानमंत्री अपना लोकसभा में क्या कदम उठाएंगे, क्या कुछ अपनी बात रखेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। तो आज की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और संसद सत्र के शुरू होने से, जो कार्रवाई शुरू होने से पहले यह बैठक होने जा रही है, तो ऐसे में इसका अपना एक महत्व है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए।